तो दोस्तों ये है काउलन चेसिस और ये इसका बस बनने वाला है। तो इसका टॉप व्यू आपको दिखाता हूँ। BS6 व्हीकल है और यहाँ से शुरू करते हैं पीछे से। तो ये इसके ब्रेक के लिए ड्रम्स हैं और ये ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है। यहाँ से जो ब्रेक्स के लिए प्रेशर यहाँ पर बनता है, डिफरेंशियल ये रहा। उसके बाद रियर एक्सेल, रियर एक्सेल के बाद ये जो है ये अगेन ब्रेक के एक्चुएटर्स, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सल जॉइंट लगा रखा है प्रॉपलर शाफ्ट में। और यहाँ से हम आगे चलते हैं, यहाँ पर एक स्टेपनी। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ इधर पर, ये हमारा पूरा EGT, EGT मतलब हो गया एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट। तो ये यहाँ की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ये डोजिंग वॉल्व लगा हुआ है, ये नॉक्स के लिए ECUs लगा रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर्स वगैरह भी लगे हैं, वो किसी वीडियो में आप देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी ओवरऑल व्यू दिखाना चाह रहा हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पर ये आइसोलेशन रिले आउटपुट, उसके बाद यहाँ पर चेसिस आप देख सकते हैं, बिल्कुल बॉक्स चेसिस है। ये देखिए, ये पहले जैसे सी शेप में आती थी, आजकल बॉक्स शेप में आ रही हैं चेसिस। ये हमारा इधर की तरफ ये ड्राइवर साइड है, टैंक भी ड्राइवर साइड में है, और हमारा जो DEF मतलब यूरिया जो टैंक है वो भी ड्राइवर साइड में है। उसके जस्ट बगल में आपका एयर फिल्टर के लिए स्पेस दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आते हैं वापस से सेंटर में, तो यहाँ पर इन्होंने नया हाउसिंग दिया है। आप ये देखें, यहाँ पर क्लच के लिए है क्लच हाउसिंग इसके अंदर। ये गियर बॉक्स के बाद यहाँ पर इसका कुछ आप व्यू देख सकते हैं। ये यहाँ पे स्पीड सेंसर देखिए लगा हुआ है नीचे, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर सेल्फ स्टार्टर मोटर दे रखी है। यहाँ पे इधर जो को ड्राइवर साइड है या कंडक्टर साइड है, वहाँ पर पहले फर्स्ट प्राइमरी फ्यूल फिल्टर, उसके बाद दूसरा वाला सेकेंडरी वाला जिसको एयर एंड फ्यूल सेपरेटर भी कहते हैं। उसके बाद फिर और क्या दिखाऊँ, यहाँ पर ECU दे रखा है, यहाँ पर ये EGR गर्म हो रखा है, और EGR का व्यू इस तरीके से है। इसके बाद हम आते हैं, यहाँ बैटरी अभी ऊपर ही लगा रखी है इन्होंने। टायर्स इसमें हैं हमारे 825/16 के टायर हैं, जेके टायर लगा रखे हैं अभी। और यहाँ से काउल इन्होंने स्टार्टिंग में, ये थोड़ा सा नीचे का व्यू दिखाता हूँ आपको, नीचे का व्यू कुछ इस तरीके से है। ये व्यू है, वो पीछे रेडिएटर, फिर यहाँ पर इंटरकूलर जी ये लगा रखा है, और यहाँ पर ही फ्रंट में ये फ्यूज़ बॉक्स दिया हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं फ्रंट में आके, फ्रंट में ये देखिए जी, फ्रंट में ये हॉर्न्स दे रखे हैं, और क्या दिखाएं आपको जी, ये हमारा स्टेयरिंग के लिए सिस्टम। और अब इस तरफ आते हैं, यहाँ पर आ गया स्टेयरिंग, और यहाँ पर ये हैंड ब्रेक के लिए जो लीवर है दे रखा है नीचे है, ये नीचे की तरफ लीवर ब्रेक ऑन हो जाते हैं, ऊपर की तरफ बंद। इसके बाद फिर हम ऊपर एक बार आए तो ऊपर अभी थोड़ा सा चढ़ना सेफ नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से दिखाऊँ। ये देखिए, ये कंप्रेसर हो गया, बाकी जो रेगुलर अपना इंजन का जो व्यू है वो वही है। और यहाँ पर एग्जॉस्ट में जैकेट भी दे रखी है, नीचे से ही आपको दिख रही होगी शायद।
ये देखिए यहाँ से आपको दिख रही होगी, और ये है सिस्टम। तो ये ओवरऑल लुक है, ये मैंने इसको ये ऊपर किया, और ये इसका टॉप व्यू है।